मुझे छोला भटूरा खाना है। मैं तो घर में बंदे थे बचपन से, ड्यूटी कितनी है। रंदा हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। कैसे आप सब, करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत अच्छी। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो होटल का कमरा देख के आप सोच रहे होंगे कि होटल में कहाँ पहुंच गए। तो हम रुके हैं सुखना ढाबा, रास्ते में भूख लग रही थी बहुत तेज, तो हमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं। खा के ना अभी हमारा सफर दो घंटे का और है, तो मैंने कहा खाना खा के ना, सूरज भैया तो गाड़ी चलाएंगे, इनको तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, और उसके बाद जो हमारा काम है मीटिंग्स है वो मीटिंग्स खत्म करनी है और कल रात को फिर वापस घर आना है। तो गाइस भाई मैंने तो अपनी कोल्ड कॉफी पूरी पी ली है। हमने मंगवाया था रोटी सब्जी दाल और भैया ने मंगवाए थे अपने लिए नूडल्स, और जो नूडल्स है ना गलत नूडल्स ऑर्डर कर दिए मैंने, गलती से कर दिए कि मैंने कर दी चिल्ली गार्लिक नूडल्स, इतनी ज्यादा मिर्ची थी और मिर्ची थी, एक ही बाइट खाई और काम चले भाई चले, बहुत लंबा सफर है, चलो चलो। तो गाइस गाड़ी रुक चुकी है, तो हमने सोचा एक काम करते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं, गाड़ी फुल करवा लेते हैं। और यहाँ पे पायल कब से बोल रही है, पिछले एक घंटे से थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं, थोड़ी देर सो जाती हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ पर ये सो नहीं रही है। इतने आधी मैं कहा तो आ रही है पर देखो सोने आने, मुझे तकिया वकिया चाहिए ना, तकिया वकिया है नहीं, आते हुए सो बेड बना के आऊंगी। हाँ। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 और बस हम अभी दिल्ली पहुंचे, 12 बज गए हैं और पायल कह रही है गोलू की क्या संडे है, संडे मार्केट लगी होती है, तो पायल कह रही है गोलू मुझे खाने छोले भटूरे। मैं कह भाई यहाँ पे छोले भटूरे क्या, छोले का आखिरी निशान भी नहीं होगा, देखो ना कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं पूछा, पर हम लोग दिल्ली में भैया हमें टेंशन की जरूरत है, हम कहीं चलते हैं सब दिल्ली को, ये बाजार वाले छोले भटूरे खाने भाई, और पायल ये नहीं मिलते हैं गोलू कहीं, प्लीज कोई ढूंढो प्लीज भैया, छोले भटूरे नहीं है, दूसरी है। अरे मोमोज 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 नहीं है, मोमोज नहीं है, अरे जलेबी है यार, अरे मोमोज छोले छोले भटूरे होंगे इधर, देखो भैया मैं कह रही हूँ मेरे दिल की आत्मा बोल रही है, इस तरफ देखो अभी वहाँ पे होते हैं आगे आगे पहले थे, आगे खा के आए थे ना, इधर थोड़ी खा के आए थे हम, आगे पूछ लो ना किसी से छोले भटूरे मिल जाएंगे क्या, छोले भटूरे छोले भटूरे नहीं भाभी कोई बोला ही नहीं, तूने शीशा खोल के बोला है अंदर से बोल रहा है, तू अंदर से आ जा, छोले भटूरे मिलेंगे कहीं, छोले भटूरे नहीं बहन जी, छोले भटूरे नहीं बहन जी, कुत्ते बोल रहे हैं भाभी जी, सारा सामान उजड़ गया, बंद हो गया, अरे आगे देख लो ना, खाली खाली कर दिया, वैसे ना एक टाइम वेस्ट कर रही है, मैंने तुझे बोला ना तुझे छोले भटूरे का छोले कहा, छोला भटूरा भटूरा नहीं बहन जी नहीं है, मैंगो शेक है पीछे, छोला भटूरा छोला भटूरा, अगर जो हमारा ब्लॉग देख रहा होगा ना उसको पता चले ना उसकी रेडी छोले भटूरे की, तो वो इतना कर रहा होगा यार, पायल मलिक भटूरे खाती थी लेती शायद, मैं और खोल के रखता अगली बार ना, मुझे ज्यादा देर खोल के रखेगा फिर तू नहीं आएगी, लाइन वाला भी छोले भटूरे बंद हो गया, नहीं मुझे छोला भटूरा खाना है, घर पे बुलाना नहीं बाजार का खाना है, ये क्वालिटी टेस्टी नहीं, ये दूसरी दुकान है बंद हो गई, शिट यार, गोलू भाभी भाई वो वाली खिचड़ी खानी उस दिन वाली यार, उस दिन वाली तो उसी दिन बनी थी, अच्छा पायल तुझे बताया नहीं, पायल हुआ क्या सुन, मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं तुझे बताया नहीं, दिल्ली के अंदर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, बात नहीं कर पाई, एक दिन जब हम आए ना तो मैंने ना लाल पीली दाल होती है ना घी डाल के उसकी खिचड़ी बनाई, हींग विंग कुछ नहीं था, सिंपल खिचड़ी बनाई और इतनी सी बनाई, इतनी टेस्टी बनी पूछ, कितनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी सब बने खा दी, फिर मेरे को एंड में आई ना कुकर देखने के लिए, देखा कुकर चट, मेरा मन कर रहा सबका मन कर रहा खिचड़ी खाने का, फिर अगले दिन क्या हुआ मैंने कहा चले काम करती हूँ आज मैं हरी मूंग की खिचड़ी बनाती हूँ, छिलके वाली नहीं होती वो बनाती हूँ प्लेन खिचड़ी, तो मैंने क्या किया मैंने खिचड़ी ना थोड़ी सी और चावल थोड़े से, मम्मी कहती बोलो जब भी खिचड़ी बनाओ चावल कम रखो दाल ज्यादा रखो, तो मैंने ऐसे करके भिगो के रख दी, चीकू पापा कहते बोलो जिम चल, मैंने कहा मैं खिचड़ी रह गई कह रहे आके बना लियो, फिर मैं आई तो आकर मम्मी के घर चली गई, तो मैंने फिर आई फिर मैं मम्मी के घर चली गई, मैं रात के 2-3 बजे घर पे आई, खिचड़ी भिगोई हुई थी 7:00 बजे, तो 7 PM की खिचड़ी रात के 3 बजे बनाई, जैसे मैंने खिचड़ी बनाई ना नहीं नहीं थोड़ी अलग सी लग रही, चीकू पापा कहते मुझे भूख लग रही है, मैं खिचड़ी खा लो, कहते मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं नहीं खाओ ना खाओ ना, जैसे मैंने खिचड़ी खाई ना वो तो हमने सो गए, उसके आधे घंटे बाद उठे वॉमिट कर रहा कहते एक पायल का ढोकला और दूसरा तेरी खिचड़ी, नफरत हो चुकी है, मैंने अगले दिन फिर बोला मेरे खिचड़ी बिना करे हाथ जोड़े तेरे सामने कह रहे पूरी रात से ना ऐसे सो के क्या हुआ कह रहे खिचड़ी अटकी गले में कह रहे मेरे को इतना शर्मिंदगी देखने चले क्या, मेरे को इतना शर्मिंदगी 12 बजे कौन मूवी करता है यहाँ पे, तो सारा टाइम की होती है, कोने घर पे लेके पाल ऐसे नहीं होता, चल भाभी आज खिचड़ी खिलाएगी वो वाली खिलाऊंगी जो चीज को पापा खिलाएगी वो नहीं खिलाऊंगी, बाहर सब कुछ नहीं खाएंगे खिचड़ी खाएंगे, मोमोज वाला मिलके तो खा लेंगे यार, भैया कहाँ है भैया लेके जा रहा हूं मैं, अच्छा
कि ये थे मोमोज बहुत ढूंढे, छोले भटूरे बहुत ढूंढे, कुछ नहीं मिला ना मोमोज मिला ना। अब लास्ट हमें दिल्ली में आने के बाद जिस चीज की हमें एक क्रेविंग होती है मलाई चाप, वो रहती है मलाई चाप, क्योंकि यहाँ जैसे मलाई चाप कहीं मिलते हैं तो हम खाएंगे, यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसे है। और आपको बता, मैं हमेशा मलाई चाप खाती हूँ, मैं सोचती हूँ कब से भाभी कब से, बचपन से खाती आ रही, मैं यही पैदा हुई थी, मैं खाऊंगी मलाई चाप रोल, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी खाऊंगी मैं तो, मैं खाऊंगी मलाई चाप रोल। भाभी आपने कब से स्टार्ट किया मलाई चाप खाना? मलाई चाप चिकू पापा ने मुझे आज से तकरीबन 8-9 साल पहले खिलाया, मैं तो घर में बनते थे बचपन से, झूठी कितनी है। लेकिन सुनो लास्ट टाइम अभी ना मैं, भैया मलाई चाप रोल लगा दो, चार पीस होता है ना, चार पीस भी काट के 8 पीस, ठीक है हम खाएंगे ना भाभी, तो 4 पीस तो चाहिए, तुम तो खाएंगे, मैं पूरा 1 पीस खा लूंगी, एक खा जाएगी, दो खाएगी, जो जब तू आदी है तो मैं जैसे थोड़ी सही, ठीक है 4 लगा दो। आ गया जिसका हमें इंतजार था, गोलू का ये गोलू की चॉइस है, अब देखते हैं कैसे, मुझे खानी थी मलाई चाप और रुमाली रोटी सेपरेट सेपरेट, ये गोलू ने बनवाया, अब देखते हैं कैसा होगा खाने, मेरे बनवाया, चल मैं मानती हूँ मैंने बनवाया, तू मत खा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मलाई देख कितनी सारी है इसमें, पहले मलाई का मतलब ही क्या है, इसको पकड़ते हैं पहले, यार प्याज नहीं खा सकते यार, इसको चटनी मतलब, हाँ चटनी नहीं खा रही, ऐसे तो प्योर वेज है, खाओ भाई बहुत टेस्टी है, ये तो मैं 4 भी खा लूंगी, और मंगा लेंगे, खा लो भाई टेस्ट करो ना, ओके तो भाई आज पायल तो मान गई मेरी चॉइस को, अच्छा है, अच्छा है ना, टेस्टी है ना, क्योंकि देखो हमेशा हम वही खाते हैं, रुमाली रोटी, रोटी क्या रुमाली रोटी लो, मलाई चाप लो, और खुद से बनाओ, खुद क्यों मेहनत करो, तो बनी बनाई मिल रही है, बनी बनाई बहुत टेस्टी लगा, डिफरेंट बन गया, मैंने तो एक बचा के भी ले आई हूँ, मैंने कहा घर जाके चाय के साथ खाऊंगी, अब मैं घर जाके पायल को बना के दूंगी जबरदस्ती चाय, 24/7 से दूध लूंगी डब्बे वाला, क्योंकि ना जब हम यहाँ पे आते ना तो लेट नाइट आते हैं दुकान, छोटा पैकेट आता तो छोटा लियो, पर वो दूध की चाय बड़ी अच्छी मिलती है ना, छोटा नहीं भाई इसका ना जाएगा बेटा, उसका एक स्टैंडर्ड साइज ही आता है, मैंने भी जब भी लिया ना स्टैंडर्ड साइज आता है, तो बस चाय पीते हैं घर जाके और फिर विश्राम की गलियों में जाते हैं, शाम की गलियों विश्राम करते हैं, विश्राम की गलियों में, मम्मी बोलती थी कभी कभी ऐसे बोलती थी, विश्राम की गलियां समझी, विश्राम नींदिया के पास। तो गाइस सच में बहुत ज्यादा थकान हो गई है, हम लोग पहुंच गए घर, आते सबसे पहले नाइट सूट चेंज किया है, क्योंकि मैं उस ड्रेस में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं ना इतना ज्यादा डीप पहनती नहीं, तो गलती से ट्यूब पहनना भूल गई थी, तो आते ही सबसे पहले ना हमने कपड़े चेंज करे हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़े से कमेंट्स पढ़ देते हैं, उनके जवाब भी दे देते हैं, कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के दिल में, तो हम नहीं चाहते हमारे क्लियर कर देते हैं, हम नहीं चाहते हमारे सब्सक्राइबर जो हम इतना प्यार करते हैं उनके दिल में कोई भी डाउट जाए, तो आज आपके कमेंट के साथ आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। गली अंगूठी पहन के देखिए ऊपर, मुझे गली दी, ये मेरी उंगली पतली है ना, वाओ ये मेरे पे अच्छी लग रही है यार, ठीक है पहन ली, पहन ले क्या ले ली मैंने, पहन ले इसका एक डायमंड घुमा देगा इस वापस लगा दूंगी, एक डायमंड निकल गया मेरी अंगूठी का, एक मिनट गाइस मैं अपनी अंगूठियां फिक्स कर लूं, फिर कमेंट कर रिप्लाई देती हूं, मेरी उंगली में नहीं आ रही। तो गाइस पहला कमेंट है कोमल सिंधेर की तरफ से, कुछ तो बात है तभी ये दोनों दूर है कुछ दिन से, अरमान गोलू के पास है अब पायल के पास साफ साफ दिख रहा है, पहले ये वीडियो कॉल करती थी, ब्लॉग में दिखाती थी, अब एक बार भी नहीं दिखा। तो गाइस आपने पहला ब्लॉग देख लिया, वाले ब्लॉग्स में मैंने बता दिया था, सॉरी नींद आ गई, मेरा पासपोर्ट का काम हो गया और फाइनली मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, तो गोलू भी अपने पासपोर्ट के काम के लिए आई थी, और वो काम जो है इसका अभी उसकी डेट मिली है, उस डेट पे आप दोबारा आना पड़ेगा इसको दिल्ली, और आज हम दिल्ली किस लिए आए क्योंकि वो भी आपने देख लिया है कि हमारा कुछ न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसके लिए हमें दिल्ली आना जाना अब लगा ही रहेगा, इसीलिए इस घर को पूरा इसलिए सेट किया गोलू ने कि हम लोग आए अपना खाना पीना रहना अच्छे से यहाँ पे हो पाए, इसीलिए गोलू ने आके कल इतनी सारी शॉपिंग करी, बर्तन लिए ये लिया वो लिया, और जैद को भी इसीलिए भेजा गया था कि हम यहाँ पे किसी बच्चे को यहाँ पे रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं ये देख एक बार ट्रायल के लिए ट्रायल के लिए, पर वो बिल्कुल फेल हो गया। हाँ। यहाँ पे अगर आएंगे तो सिर्फ मैं गोलू या चिंकू पापा आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि हाँ बच्चे क्योंकि बच्चों को जो है खेलने कूदने स्पेस चाहिए, और दूसरा ना मॉस्किटो भी, मॉस्किटो देख यहाँ पे मेरे को 2 मच्छर काट चुके, वहाँ सामने जाली लगी, अब चलो यार ठीक है रेंट का घर है, हम भी इस पे कितना कर ले, हम बर्तन वर्तन ले सकते हैं ये चीज सोच के कि चल बर्तन हमारे आगे काम आ जाएंगे, पर जगह जगह चीजों पे भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यहाँ के कोने इतने तीखे हैं, वॉकर लेकर आई तो ऐसे भागता भागता गया, सामने का दीवार इतनी तेज थी, चिंकू पापा ने देखते मुझे बोल दिया गोलू इसको वॉकर से निकाल ले लड़के का सर पे लगेगी। तो नेक्स्ट कमेंट है रितु सुथर का, अब तो ऐसा लगता है पायल और गोलू अलग हो गए हैं, जैसे परमानेंट अलग हो गए हैं। नहीं गाइस नहीं प्लीज, ऐसा टच वुड ऐसा कभी जिंदगी में ना हो, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी ना मरने के बाद पाएगी ना मेरा मरने के बाद ही होगा ये बोल रही थी।
कि अब कभी जिंदगी में, क्योंकि देखो वो फेस हमने बहुत वो चीज हमने एक्सपीरियंस कर ली और हमें पता है कि हमारा, हम लोगों के अलावा कोई नहीं। अगर हम लोग अलग हो गए तो हम मर ही सकते हैं, जी तो नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट है मीनाक्षी का, शी इज सेइंग रहना है यहाँ पर, इट सीम्स लॉन्ग शी इज शिफ्टिंग हियर। बिल्कुल मैंने यही बोला था, मुझे अब रहना है यहाँ पे, जैसे कि बताया हमारा काम चलता रहेगा। तो मेरे को इस चीज की बहुत खुशी है कि यार देखो मेरे को जो जो चीजें समझ आई ना, मैंने सारी चीजें कर ली। मुझे इतना पता था कि थोड़े दिन बाद पायल आएगी, जो चीजें अब पायल इस घर में देख रही है कि गोलू को कौन सी चीजें नहीं समझ आई, जो कमी पेशी है ना वो पूरी करेगी। जितना मुझे सेंस थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया। और इसलिए बोला अच्छा था कि मैंने इतने सारे कपड़े भिजवाए थे, ये लड़की सारे कपड़े पैक करके वापस ले गई। मैंने 4-5 जोड़े पहने थे। नहीं, पैक करके ले गई तू वापस, यहाँ रख के जाती आधे कपड़े। अरे यार नहीं, मैंने रखी है, दो शर्टें रखी थी, मैंने रखी हुई है। तो नेक्स्ट कमेंट है, इनका कोई नाम नहीं है, बर्थडे में नहीं जाएगी तब भी गिफ्ट भेजे। तो गाइस मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था, बर्थडे में नहीं जाऊंगी, मैं गिफ्ट लेकर आई थी और मैंने ये सोचा था मैं 2-4 दिन रुकूंगी नवरात्रि के, मैंने कोई बर्थडे के लिए गिफ्ट नहीं भेजा। पर मेरा जो काम, और बर्थडे पे हम गिफ्ट क्यों लेंगे अपने बच्चों के लिए, सब कुछ हमारे बच्चों का ही है। सही बात है, तो बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं देते हम बच्चों को, ना हमने चीकू को कभी दिया है, ना हम अयान जैतूबा को। बर्थडे पार्टी में पैसा खर्च, और क्या, इतना पैसा खर्च करूंगा बर्थडे इतना। अब हमने अपने बर्थडे कैंसिल कर दिए, हम अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ना मैं ना गोलू, चीकू अयान तूबर जैत, सिर्फ 4 बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। वो भी मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट होगा, उसके बाद 5-4 बर्थडे उनके हम घर में सेलिब्रेट, 5वां करेंगे, 10वां करेंगे, ऐसे करेंगे। सो नेक्स्ट है प्रणिम का, मिसिंग गोलू एंड पायल एक साथ वाले व्लॉग। एक बार अरमान है व्लॉग में नहीं आया तो कुछ लगता है, कुछ लगता नहीं, बट पायल और गोलू साथ में नहीं होती तो अधूरे अधूरे लगता है। होप ओल्ड व्लॉग कम्स सून। बिल्कुल, तो ओल्ड व्लॉग आपको कल से देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं गाइस। सच में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप कहोगे वाओ दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट है मेघा सवी का, गुड कृतिका यू नो एवरीथिंग अबाउट दिल्ली, रजौरी गार्डन में शॉपिंग करते देख अच्छा लगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं यही रही हूँ, यही पली बड़ी हुई हूँ, यहाँ नहीं तिलक नगर सुभाष नगर में रही है, मैं रही हूँ यहाँ पे 4-5 साल। मेरे को रजौरी गार्डन का भी पता है, यहाँ पे ऐसी ऐसी दुकान दिखा दूंगी मैं जहाँ से कूड़े की पन्नी बहुत सस्ती मिलती है, फिनाइल छोटी बोतल लो उसको 5 लीटर बना लो, छोटी बोतल छोटा सा आता है उसको 5 लीटर वो सब तेरे को दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो कल ये सारी मिस मत करना, कल वाला व्लॉग मलिक व्लॉग्स पे आएगा, वो व्लॉग मिस मत। मैं तुझे दिखाऊंगी कहाँ से सूप मिलता है, कहाँ से ये सामान मिलता है, वो खाने पीने का, खाने पीने का जो सामान होता है ना वो कहाँ से मिलता है, तिलक नगर में कचौड़ी वाला तो खिला चुकी हूँ, है ना, ये सब दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट है दीपक कुमार का, दीदी मच्छर के लिए, तिलक नगर में तिकोना वाला पार्क है ना वहाँ पे एक छोले भटूरे वाला, और मैं गई थी टेस्टी छोले भटूरे उसके, मैं वहीं गई थी थोड़े टाइम पहले, खा के आई थी, नहीं सुतर कोनो पार्क गई थी इतने टेस्टी होते उसकी और सुबह सुबह लगता है वो। एक बात बोलो, आज ना मुझे लगता है तेरे को ना बहुत मिस कर रहा है छोला भटूरा, वो वैसे छोला अच्छा, अभी छोले भटूरा आ गए मेरे मुंह पे, मैं ऑर्डर करूंगा स्विगी से, नहीं नहीं रात के 3 बजे वाले नहीं खाने मुझे स्विगी वाले। तो नेक्स्ट है दीपक दीपक कुमार का, दीदी मच्छर के लिए एक उपाय है, बिल्कुल बता दो। देखो बैठे बैठे दो मच्छर एक यहाँ खा गया, देख दिख रहे ना, हाँ एक यहाँ खा गया, मेरे भी और मच्छर बड़े हैं। भैया यार कुछ तो करो, सूरज भैया वहाँ पे एग्जॉस्ट लगाओ, एक सुनो उपाय, सुन लो उपाय, वही करेंगे। दीदी मच्छर के लिए एक उपाय है, आप एक कछुआ छाप लेकर आओ, दुकान पैसे और घर जला कर रखो, दुकान पैसे और घर में जला, अच्छा घर में जला कर रखो, अच्छा दुकान से ले आओ, अच्छा कछुआ छाप तुम्हारे घर में बढ़िया से लाएंगे, घर जला। मैंने तुमको हिट दिया था, वो नहीं जलाया तूने यार पायल, तू ना बोलेगी गोलू वाह वाह, देख जो बोले बोल दिया वाह, जो हिट है जैसे जैद था, तो मैं अगर हिट डालती तो उसको उसकी खुशबू आती, तो वो ज्यादा होता है ना, उसकी स्मेल तेज होती है। अब मैं पूरे घर में हिट मार दूंगी क्योंकि तू है, और वो वाला हिट नहीं बोला था मैंने मशीन वाला बोला था मैंने, अच्छा वो तो लगा रखा उसके बावजूद मच्छर घूमते हैं यहाँ से आ रहे गोले से, गोला सही रहा यार। उनका कमेंट तो पढ़ लूं, दीपक कुमार पढ़ लिया हमने, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। मैं बचपन में करवा चौथ कह लूँ कछुआ छाप मेरे घर में चलता था क्योंकि वो सस्ता आता है, और पहले ना ये सुनो पहले ये सस्ते वाले खुले वाले भी मिलते थे, ऐसे गोल गोल लट्टे खुले वाले मिलते थे, अब तो जैसे पैकेट बंद मिलता है, पहले ब्रेड भी खुली मिलती थी गाइस। हाँ मैंने ली है, मैंने भी ली है, और पता कैसे वो पेपर में देते थे, हाँ मैं तो ज्यादा नहीं लेती, 2 ही लेती थी, न्यूज़पेपर में मिलते, सो रस में मिलते थे खुले, वो तो अभी भी खुले मिलते नहीं, पैकेट में मिलते खुले मिलते थे। सो नेक्स्ट है निधि चौहान का, स्टे टुगेदर विद पायल इट फील इनकम्प्लीट विदाउट अदर मलिक फैमिली। बिल्कुल सही बात है, देखो हम घर में ना हम तीनों बड़े हैं, अब जैद और अयान और तूबा का बर्थडे आ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उम्र ऊपर है, कोई पासपोर्ट का काम है, कोई डॉक्यूमेंट का काम है, तो
वो हमें देखना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रही हूँ तो पायल भी साथ में जाए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और गाइस हम आए हैं तो अपने नेल्स और आईलैश भी करा लेंगे बर्थडे। तो भाई अब लास्ट कमेंट आज का सोनम खत्री की तरफ से, पाकृतिका मैम बच्चों को तीत हनी की उंगली घुमाया करो, तीत सही बोल रही है ऐसे, ये बातें तो हमें याद रहती है पर बच्चे भूल जाते हैं, जब बच्चे पास में आते हैं हम भूल जाते हैं, उनको करते रहते हैं। तो बस गाइस आज के इस कमेंट के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ अस।